नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। आज हम बात कर रहे हैं मंगल दोष निवारण के लिए लाल किताब में क्या लिखा हुआ है, कुछ ऐसे विशेष उपाय और टोटके। दोस्तों, किसी दंपत्ति की जन्म कुंडली में मंगल दोष अगर हो तो ऐसी स्थिति में बहुत ही घातक परिणाम होते हैं। इस प्रकार के मंगल दोष के कारण दंपत्ति को वैधव्य, दोनों के बीच में झगड़ा या फिर कलेश, लड़ाई झगड़े, तलाक, द्वेष, कई समस्याएं होती हैं। इस दोष के निवारण के लिए आपको विशेष तरह की पूजा अर्चना करनी चाहिए या फिर आप तांत्रिक उपचार भी कर सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। इसीलिए आपको किसी कुशल विशेषज्ञ की सफलता पूर्वक आप इसे पूजा करवा सकते हैं। मंगल दोष का निवारण करना हर किसी के बस की बात नहीं है, इसीलिए आज आपको बताते हैं लाल किताब के अनुसार कुछ विशेष उपाय जिन्हें आप आम जीवन शैली में अपनाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। मान्यता है कि 28 साल की उम्र के बाद मंगल दोष स्वयं समाप्त हो जाता है। अगर केंद्र में चंद्रमा है तो मंगल दोष नहीं माना जाता। मंगल परिहार की और भी कई स्थितियां हैं। मंगलिक लड़की का विवाह मांगलिक लड़के से करना चाहिए, लेकिन अगर मंगल और शनि का मिलान हो जाए, लड़की की कुंडली में शनि अगर भारी हो तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। लेकिन लाल किताब के अनुसार मंगल और शनि का मिलान नहीं होता। खैर, जो भी हो, अगर आपको लगता है कि कुंडली में मंगल दोष है तो आपको लाल किताब के अनुसार ये उपाय करना चाहिए। पहला उपाय तो दोस्तों ये है कि मंगल का असर आँखों और खून में होता है, इसीलिए आपको इनको अच्छा रखना ज़रूरी है। आँखों में आप सफ़ेद सूरमा लगा सकते हैं और पेट को हमेशा साफ रखें, इससे आपका खून साफ रहेगा। सफ़ेद सुरमा नहीं मिले तो काला सुरमा भी लगा सकते हैं, खासकर मंगलवार और शनिवार को। कम से कम 43 दिन तक ऐसा करें। सुरमा लगाने से जहां व्यक्ति की नज़र बचती है वहीं उसकी आंखें भी तंदुरुस्त रहती हैं। दूसरा उपाय बताते हैं दोस्तों कि अगर भाई छोटा हो या बड़ा, सौतेला हो या सगा हो, आपका भाई जो है वो आपका मंगल है। भाई को अगर खुश रखेंगे तो मंगल सही रहेगा। भाई से दुश्मनी मतलब मंगल खराब, इसलिए अपने भाई का ध्यान हमेशा रखें। छोटा है तो उसकी गलतियों को क्षमा करें, प्यार से समझाएं, और बड़ा है तो उससे कभी भी लड़ाई ना करें। तीसरा उपाय दोस्तों कि मंगल की दिशा है पश्चिम। घर में दक्षिण में आप नीम का पेड़ लगा सकते हैं। पेड़ नहीं लगा सकते हैं तो आप हर मंगलवार को नीम के पेड़ में जल चढ़ाएं। चौथा उपाय है रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें। 2-3 महीने में एक बार हनुमान जी को चोला चढ़ा दें। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर दीपक जला दें। हनुमान जी की शरण में रहें, मंगल ही नहीं शनि, राहु, केतु सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। पांचवा उपाय बताते हैं दोस्तों आपको कि मांस खाना छोड़ दें। कभी कभी खाते हैं तो भी छोड़ दें। घर से बाहर निकलते समय गुड़ खाएं और इससे आपका खून तो साफ होगा ही, साथ ही साथ मंगल का दोष भी समाप्त हो जाएगा। गुड़ और चने का सेवन करें और यही आप हनुमान जी को भी चढ़ा सकते हैं। अब आपको बताते हैं कुछ और उपाय दोस्तों। पहला उपाय तो यह है कि गायत्री जी और दुर्गा माँ का पाठ करें। तंदूर की मीठी रोटी कुत्ते को खिला दें, बंदरों को भोजन दें, मंदिर में मीठा भोजन बांटें, शहद और सिंदूर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, घर और कार्यालय में नौकर रखें, कच्ची दीवार बनाएं और उसे गिरा दें, चांदी की चूड़ी या कड़े पर लाल रंग चढ़वाकर अपनी पत्नी को पहना दें, चांदी के कड़े पर तांबे की परत चढ़वाकर धारण कर लें, बिना जोड़ का चांदी का छल्ला पहन लें, लाल रंग का रुमाल हमेशा अपने पास रखें, सोने या तांबे की अंगूठी में मूंगा जड़वाकर धारण कर लें। दोस्तों, ये सारे उपाय आपको नहीं करने हैं, अपनी सुविधा अनुसार कोई भी एक या दो उपाय रेगुलर अगर आप करते हैं तो आपको इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।